नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केडकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ साइकेट्रिस्ट। इस वीडियो में हम लोनलीनेस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि अकेलेपन की भावना। ये जो भावना है, ये कई लोगों को जिंदगी के कई मुकाम पे आ सकती है। अकेलापन महसूस करना या फिर मायूस महसूस करना, तो ये क्यों होता है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर इस चीज का कारण जान लिया जाए कि अकेलेपन की भावना, आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि काफी लोग अकेले हो गए हैं। इतनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, पर तो भी अकेलापन महसूस होता है। लोगों के बीच में है तो भी अकेलापन महसूस होता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर वन इज स्ट्रेस। यानी कि कोई भी स्ट्रेस के पीरियड में अगर किसी प्रकार का तनाव है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी कोई क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर इमोशनल क्राइसिस है, कोई भी स्ट्रेस का पीरियड है, तो अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि उस प्रॉब्लम में आप ही शामिल है और शायद से वो प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए आप लोगों के साथ है पर शेयर नहीं कर पाते कभी कभी ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और अकेलापन महसूस होता है। तो कोई भी जब स्ट्रेस का पीरियड होता है तो ये भावना आ सकती है। नंबर टू इज डिप्रेशन। यानी कि एक मानसिक बीमारी है डिप्रेशन। हम देखते हैं कि आज की दुनिया में 10 में से 1 इंसान डिप्रेशन में हो सकता है। तो जब डिप्रेशन होता है तो अकेलापन महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं, उदासी महसूस होती है, लोगों से हम दूर चले जाते हैं, लोगों के प्रति हमारी जो कनेक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो ये एक बीमारी अगर है तो इसके साथ साथ अकेलापन भी आ सकता है। नंबर थ्री इज ड्रग अब्यूज़। यानी कि कोई व्यसन होना। जिंदगी में आप अगर कोई अल्कोहल जैसे जो व्यसन है वो, या फिर कोई हार्ड ड्रग्स है वो अगर ले रहे हैं, तो ऐसा होता है कभी कभी कि आप अकेले पड़ जाते हैं, दोस्तों से, फैमिली से दूर हो जाते हैं। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स का जो गुस्सा होता है उसकी वजह से आप अकेले हो जाते हैं, और इसके कारण एक अकेलेपन की भावना आ सकती है कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी बड़ा चेंज अगर जिंदगी में आता है, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, बहुत ही क्लासिकल हिस्ट्री थी कि उनकी एक ट्रांसफर हो गई, जो कपल थे उनकी ट्रांसफर हो गई, तो जो हस्बैंड थे वो तो काम पे चले जाते थे, पर जो वाइफ थी उनको वो इतना बड़ा चेंज था, क्योंकि जो पहले वो रहते थे वो एक बहुत ही बिजी एरिया में रहते थे, आजू बाजू में काफ़ी सारे लोग थे, नेबर्स थे जो हमेशा बात करते थे और शेयरिंग होती थी काफ़ी, और ये जो नया एरिया था ये एक थोड़ा सेक्लूडेड एरिया में था, जहाँ पे ज़्यादा कोई घर नहीं थे, एक अकेला ही इनका घर था, तो आजू बाजू में कोई भी नहीं थे, और ये दिन भर जो लेडी थी वो अकेले रहती थी। तो उसकी वजह से वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि उनको ऐसे लगा कि मैं कैसे रह पाऊंगी, ऐसे कैसे रह पाऊंगी। उनको आदत ही नहीं थी अकेले रहने की, या फिर दिन भर किसी से भी बात ना करने की आदत ही नहीं थी। और ऐसा ऐसी अगर कोई सिचुएशन है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा डिवोर्स, या फिर कोई इंसान आपसे दूर चला जाता है, यानी कि डेथ के वजह से, किसी के मृत्यु के वजह से, अगर बहुत ही करीबी इंसान है तो वो आपसे अगर दूर चला गया तो ये अकेलापन हो सकता है, क्योंकि जिंदगी के काफ़ी साल आपने इस इंसान के साथ बिताए हैं और वो अचानक अगर नहीं है आपके साथ, तो एक अकेलापन महसूस हो सकता है और खालीपन लग सकता है। इसके अलावा अगर सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम हो, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो, तो भी ये भावना आ सकती है कि मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं, मेरे साथ नहीं है कोई, ये भावना आ सकती है। इसके अगर सिम्टम्स के बारे में बात किया जाए तो ये सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या लगता है इंसान को, तो एक खालीपन महसूस हो सकता है, एम्प्टीनेस जिसे हम कहते हैं, और अनवांटेड लगना, यानी कि अनचाहा महसूस करना, यानी कि मुझे तो कोई चाहता ही नहीं है,
या फिर मैं चाहने लायक नहीं हूँ, या फिर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि लोगों को मैं पसंद आऊँगा या पसंद आऊँगी, और कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता, ये भी भावना आ सकती है जब आप अकेला महसूस करते हैं कि कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट इज कि आप इच्छा तो है आपकी कि कांटेक्ट करूँ मैं लोगों के साथ, रहूँ, बात करूँ, उनके बारे में जान लूँ, पर ये कनेक्शन किसी कारण हो नहीं पाता। क्रेविंग होती है लोगों से बात करने की, पर वो बात हो नहीं पाती, ये एक सिम्टम है। और इसके अलावा पुअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कोई भी चीज़ में मन ना लगना, कोई भी चीज़ ठीक से ना कर पाना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस भावना से डिस्टर्ब्ड है। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में एक थोड़ी सी बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ये जो लोनलीनेस है, ये जो अकेलापन है, ये एक सिम्टम है, ये एक साइन है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको ये ढूंढना है कि किस कारण से मुझे ये लग रहा है। जैसे कि हमने कारणों में देखा कि कई कारण हो सकते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, तो इसमें से कौन सा कारण है कि जो आपके आपका जो अकेलापन है उसके लिए जिम्मेदार है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और एक आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रख सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, आपके कोई दोस्त नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप किस प्रकार से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, ये अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक्टिविटी, बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप व्यस्त रहे किसी चीज़ में, यानी कि आप अगर रिटायर्ड है तो काफ़ी लोगों को ये भावना आती है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उनका ऑफिस बंद हो जाता है, बाहर घुलना मिलना बंद हो जाता है, लोगों को से मिलना बंद हो जाता है। तो ऐसे पीरियड में आप अगर किसी प्रकार से आप सर्विस कोई दे रहे हैं, फ्री सर्विस है, किसी भी प्रकार की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका कॉन्टैक्ट आता है लोगों के साथ और आपको एक फीडबैक मिलता है बाहर से। तो आप ये आपने ज़रूर करना है कि कुछ ना करना ये अकेलेपन को ठीक नहीं करेगा। आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होगी, आपने आपको कोई ना कोई एक्शन लेनी पड़ेगी, आपको कोई ना कोई काम आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एंड थर्डली कि लोगों के करीब जाने की आप कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है कि लोग मेरे करीब नहीं आना चाहते, पर आपने तब भी जाना है, अप्रोच करना है लोगों को, एक बात करने की कोशिश करनी है। एंड ये आप अगर करेंगे तो धीरे धीरे आपको कोई ना कोई सिग्नल मिलेगा, आपको कोई ना कोई फीडबैक मिलेगा जिससे आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है तो आपने एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप कंसल्ट कीजिए, एक एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, जिससे आपका प्रॉब्लम ठीक से डायग्नोज हो पाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी होगी तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।